Assalamualaikum, morning guys. So I woke up in the morning early and now brush going to do सीधा यार छोड़ दो, ब्रश करने लगा हूँ और फैक्ट्री जाने लगा हूँ, 7:30 हो रहे हैं। मैंने 7:15 तक फैक्ट्री पहुँचना था, बस आज तो फिर लेट हो गया सोया, और इस कैसे से लेट हो गया। मैं ब्रश करके कपड़े चेंज करके फ़ौरन फैक्ट्री के लिए निकलने लगा, और कंपनी भी जाना है तो बस यहाँ से फ्री हो जाती तो फैक्ट्री में जो बाकी बातें होती हैं वहाँ जाके। तो भाई 8 बज गए हैं और 8:05 हो गए हैं, फैक्ट्री आ गया हूँ और अभी जो है वो कंपनी मीटिंग के लिए जाना है। लेट भी फैक्ट्री से थोड़ा सा ऐसा हो गया, क्योंकि क्या थोड़ा सा कपड़ों का इशू बन गया था। अभी जो है वो मैं थोड़ी देर में निकलूँगा घर के लिए, फिर चाची जान के साथ जाना है, उन्होंने ब्लड देने हैं, देन फिर जो है वो कंपनी चलेंगे वहाँ से। आज फिर जो है वो सामान ने मीटिंग भी टेक लिया है आफ्टर 5 PM, तो वहाँ भी जाना है। खैर अभी पहले फ़ोन वगैरह की चार्जिंग कर लें और काम शाम में बैठ लें, थोड़े से लड़कों को बता दें कि क्या करना है, तो फिर हम निकलें कंपनी के लिए। तो यार आज है वो थर्सडे है और संडे से मैं व्लॉग बना रहा था डेली, बट एडिट नहीं कर सका, अपलोड नहीं कर सका, कुछ लोग भी इनकम्प्लीट रहे इस वजह से कि मुझे बुखार हो गया था बीच में, और बस फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मूड भी नहीं बना, तो मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किए। खैर ये है कि आज का व्लॉग जो है वो फिर मैं यही कहूँगा कि आज का व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड होगा और उम्मीद है कि अपलोड हो जाना चाहिए। एक्चुअली मसला ये है कि छुट्टी बन के चल रहे हैं पेपर्स, लैपटॉप है उसके पास तो मैं ले नहीं रहा, ना लैपटॉप मेरे पास है उसी के पास होता है, फैक्ट्री भी नहीं ले रहा, फिर शाम को जाना उसे पढ़ना होता है, और तो बस कह लो कि SEO के लिए भी नहीं टाइम लग रहा, फिर थोड़ा सा टाइम लगता है SEO के लिए, तो मैं फिर उसे लैपटॉप नहीं, मैं कह रहा हूँ स्कूल से पढ़ ले तो बेहतर है। खैर बाकी अभी जाओ मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा, फिर थोड़ी देर में निकलूँगा चाचू नासिर के पास जाऊँगा, वहाँ से जाऊँगा हॉस्पिटल ब्लड देना है, फिर वहाँ से जाएंगे हम कंपनी। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर निकलता हूँ। तो यार 9:30 हो गए हैं और जो है वो कंपनी मीटिंग पे जाना था, बट चाचू ने कहा था मैं ब्लड दे आऊँ तो फिर चलते हैं। जब उन्होंने अगर कॉल किया, ब्लड देना भी ज़रूरी है, इमरजेंसी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट होना है, फिर रिपोर्ट आनी है, फिर उसके बाद सारा कुछ, फिर करते कराते मतलब 12 बज जाने हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है वो फिर लंच टाइम चलेंगे, उन्होंने कंपनी फ़ोन करके कह दिया लंच टाइम। तो अब जो है वो फिलहाल कहा गया देख लिया, नींद आ रही है, तो अब जो है वो फिर हम जाएंगे लंच टाइम। तो यार इस वक्त जो तकरीबन है वो 11:15 हो रहे हैं और मैंने आना था लंच टाइम, बट चाचू जान की कोई चली बात हो गई तो आगे पहले ही, और अभी मैं हूँ फिलहाल कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में और चाचू जान ब्लड देने गए हैं, तो मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ आधा पौना घंटा, फिर यहाँ से फ्री होके हम निकलेंगे कंपनी। तो यहाँ करना क्या है, फ्री बैठ के जो है वो नेटफ्लिक्स चलाते हैं, कोई मूवी शूवी देखते हैं। मूवी तो फिलहाल मैं देख रहा था लव टैक्टिक्स 1 देख ली है, 2 देख रहा था, बड़ी मज़े की मूवी है। खैर आप लोग भी देखें, कोई थोड़ा सा सीखें लव के बारे में। खैर अभी बैठ के जो है वो मैं पार्ट 2 कम्प्लीट करूँ, कम्प्लीट होता नहीं होता देखो, बाकी वेट करूँ और फिर निकलते हैं कंपनी। तो भाई 1:30 बज गए, अभी हॉस्पिटल से निकल के यहाँ कंपनी में आए हैं, फीट कंपनी बैठे हैं, बस अभी जो है वो टैक्सी आने गए हैं, आते हैं तो फिर चलते हैं मीटिंग करने, फिर यहाँ से फ्री होके वापस फैक्ट्री जल्दी पहुँचना है। तो भाई 4:05 हो गए हैं, मैं इधर से गया था कंपनी और कंपनी से आ गया हूँ घर, सॉरी घर गया था फिर जो है वो फैक्ट्री आया हूँ, फैक्ट्री से भी फिर कोई आधे पौने घंटे बाद निकल जाना वो सामान है मीटिंग के लिए बुलाया। खैर से जो है वो स्पेशल किस्म की मीटिंग है, राउंड टेबल तो गोल मेज कॉन्फ्रेंस टाइप सी, तो खैर चार्जिंग चूजिंग कर लो फ़ोन की फिर निकलते हैं, कॉल आ रही है मैं वो रिसीव कर लूँ। तो भाई पहले निकलना था लेकिन देर हो गई है, अभी जो मैं चाचू की वर्कशॉप आया हूँ 5:45 हो गए हैं, सामान भी निकल रहा है और बाकी भी निकल रहे हैं, तो रास्ते में पहुंच कर बता देंगे कि कहाँ बैठना है, फिर उस हिसाब से मैं निकलता हूँ।
अभी यहाँ बैठ के तफर का मूवी कम्प्लीट करूँ। तो भाई 7 बजने लगे हैं और अभी जो है मैं बैठा हूँ कैफे हुक्का पानी में, वेट हो रहा है लड़की का, वो आएगी फिर रोटी शोटी खाएंगे, केक शेक काटेंगे, कायद अजम को मिस कॉल करने लगा, उन्हें बुलाएंगे, वो केक को फूक मार के बुझाएंगे, फिर हम सेरेमनी मनाएंगे और फिर हम अपने अपने घर जाएंगे। बस ये है कि इधर बैठा हूँ, जिस तरह वो आती है तो हम रोटी शोटी खाते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई 11 बजे से ऊपर टाइम हो गया और मैं हूँ जिम में। बस यहाँ से जो है वो अब निकल रहा हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, तबीयत नहीं थी ठीक, लेकिन फिर भी आया हूँ जस्ट वार्म अप। अब 4 दिन हो गए हैं जिसमें मैं वार्म अप ही लगा रहा हूँ, कम अज़ कम बॉडी वर्कआउट थोड़ा सा बॉडी को मिलते रहे और हरकत में रहे, तो इस वजह से खैर अभी हो गया हूँ फ्री और मैं निकल रहा हूँ घर को। मीटिंग भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ से अवेले भी हो गए, मैं घर जाने लगा था लेकिन मैंने कहा नहीं जिम से होके जाना है, तो अभी जिम आया था, बस हो गया फ्री, तो अब चलता हूँ घर, फिर साफ ताब देखें और जल्दी से आज। तो यार इस वक्त जो है वो 11:20 हो गए हैं, 11:30 हो गए हैं, 11:20 हो गए हैं। सीन ये हुआ कि अभी मैं घर आया ही था कि छोटी बहन की शक्ल की तरफ देखा और याद आया कि उसने मुझे चिप्स का कहा था, तो चिप्स लाना भूल गया हूँ, अब उसके लिए बाज़ार से स्पेशल चिप्स लेने जा रहा हूँ। तो अभी जो है वो चिप्स लेके आते हैं पहले, फिर ऊपर घर बैठते हैं स्कूल से। तो भाई 11:15 का गया, 12:15 आया हूँ मैं, आधा घंटा से ली लिया और घर के पास ही है, अब बाइक पे गया था। खैर ओए होए मुझे पता ही नहीं था उसने मिक्स कर दिया, चलो खैर है। बाकी चिप्स आ गई है और खाना मैंने नहीं खाना, बस अभी जो है वो मैं सोने लगा हूँ, मैं थोड़ी सी मूवी देख के, ऐसे नहीं। खैर बाकी है कि सुबह उठ के फिर काम करना, तो बाकी ये है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, शुक्र है अल्लाह ताला का, काफ़ी इंजॉय किया और यार दोस्तों के साथ यादें ताज़ा हुई, वापस इंजॉय किया। खैर बाकी ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।